राजू की गर्लफ्रेंड मर चुकी है, इसलिए राजू उसकी याद में दिन भर टॉयलेट में रोता रहता था। राजू घर में से गर्लफ्रेंड की सारी चीजें बाहर फेंकने लगता है ताकि उसकी याद ना आए। तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड के नाखून मिलते हैं जिसे वो बाहर फेंक देता है। उनमें से एक नाखून गमला में गिरता है और फिर कुछ दिन बाद गमले से एक लड़की का हाथ निकलता है। राजू हाथ का ख्याल रखने लगता है, पर पता नहीं कैसे हाथ में इंसानों की तरह फीलिंग थी, इसलिए वो सब कुछ देख और सुन सकता था। हाथ घर के सारे काम कर सकता था जो एक लड़की कर सकती है। हाथ रात में राजू को मजे भी देता था, इसलिए राजू को हाथ से प्यार हो जाता है और वो इसके साथ बहुत खुश रहने लगता है। पर एक दिन हाथ राजू के फोन में एक लड़की का फोटो देखती है और दोनों का चैटिंग पढ़ती है। हाथ राजू से गुस्सा हो जाता है तो राजू कहता है ये तो बस मेरी दोस्त है। पर दुखी हाथ खुद को बाथरूम में बंद करके गुस्से में अपने ऊपर शराब डाल लेता है। सुबह राजू को हाथ नीचे पड़ा मिलता है जो तड़प रहा था। राजू हाथ को संभाल कर उठाता है और उसे अंगूठी पहनाकर शादी कर लेता है, जिसके बाद दोनों खुश रहने लगते हैं। पर क्या फायदा ऐसी शादी का जहां हाथ से काम चलाना पड़ रहा है? अगर आपको ऐसा हाथ मिले तो क्या करेंगे?